Speaking on the Tirupati Laddu Rao, Andhra Pradesh Minister Nara Lokesh stressed that nobody will be spared, adding that his own sentiments have also been hurt. Citing the report of the presence of animal fat instead of ghee in the Tirupati Prasadam, Lokesh said that the analysis done by the government-run lab is clear and that the allegations made by Andhra Pradesh Chief Minister are based on facts. एनडीडीबी का रिपोर्ट तो बहुत क्लियर है ना, एडल्ट्रेशन हुआ है बोल के एनडीडीबी ये बोला है, रिपोर्ट क्लियर है, तो डिनाई करने के लिए क्या है, एलिगेशन नहीं है ये, फैक्ट्स है। फैक्ट लेके चंद्रबाबु नायडू साहब ने बात किया, वो अनाउंसमेंट करा, सब एक्शन थोड़ी लेंगे ना उसके ऊपर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट भी करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इश्यू नहीं छोड़ेंगे। ब्रीफ और तीन स्टेप्स लेने का है और इसको फुल स्टॉप रखना है। सीबीआई इंक्वायरी से जो हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, वो पता चलेगा, पर जो आने का है, आने दिन का है ना, फिर ये नए होने का है, तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करना है उसके ऊपर भी एक टीम रखना है कि मुख्यमंत्री का सोच है, वो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करेगा। यही होता है कि अगर मुख्यमंत्री का विजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ऐसे दिक्कत होता है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के पहले कई मुख्यमंत्री आए थे, कोई भी तिरुमला के पास नहीं गए, ऐसी चीज नहीं किया, बहुत दुखद मेरे को भी आता है। हमारे भी लॉर्ड है ना, वी ऑल्सो फील वेरी बैड फॉर, सो वी गोइंग टू पुट दिस, वी गोइंग टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर प्रोसेस गोइंग फॉर। इट इज वॉट इट इज, fact is in front of the people, the reports have clearly stated, is that diversion politics? So should we not put a report in front of people? Shouldn't we put facts in front of people? So it's our responsibility as a government. Like him, we will not do secret geos, like him we will not hide things, we will put facts in front of public and we will let public choose. It took time for it to come, no? TTD is an independent body, so honorable chief minister role is only appointment of the EO. It operates independent, has its own autonomy. So the report to come will take its time, and it has come to the Honorable Chief Minister's desk.